भागलपुर के लाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक बड़ा बदलाव लाने का सोचा और इस सोच को पिच पर उतार भी दिया। बिहार का ये लाल क्रिकेट जगत में एक बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार है और अपने प्रोडक्ट का पेटेंट भी करवा लिया है। पहले खिलाड़ी पावर प्ले ओवर लेते थे, लेकिन अब वह पावर पिच प्ले ओवर भी ले सकेंगे जिसमें पिच मिनटों में चेंज हो जाएगा। अब एक ही मैदान में अलग अलग तरह के क्रिकेट पिच पर खिलाड़ी खेल सकेंगे। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भागलपुर के नाथनगर निवासी राकेश प्रियदर्शी ने। और टू पिच स्टोरी के बाद तो ये बातें ज्यादा उठी नहीं। कितने समय में आपने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया? ये प्रोजेक्ट बेसिकली देखिए ये एक आइडिया के तौर पे दिमाग में आया, उसके बाद मैं इस पर वर्क करता रहा लगभग 3-4 महीने लगातार। मैं कंटिन्यूस मैं क्रिकेट फैन बहुत एविड रहा हूँ, तो मैं सोचता रहा और कुछ लोगों को मैंने बताया भी, मतलब फैमिली मेम्बर्स में ही और कुछ फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड सर्कल में, तो उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स मुझे बताए उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करता चला गया। इस प्रोजेक्ट पर राकेश प्रियदर्शी ने वर्षों से समय खफाया, तब जाकर उनके इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के पेटेंट विभाग ने मंजूरी दी और इसमें IIT पटना जल्द सहयोग शुरू कर देगी। इसमें केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल बनाने के लिए फंड भी मुहैया कराया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इस आइडिया को पेटेंट करने के बाद राकेश दिन रात एक कर इस प्रोजेक्ट में भिड़ गए हैं कि अनलिमिटेड कई तरह का आप कई संभावनाएं पॉसिबिलिटीज को आप जनरेट कर देंगे ये अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन है या फिर कोई क्लास का बैट्समैन है तो उतनी देर के लिए उसको कैप्टन उस पर्टिकुलर पिच पर भेज सकता है, उस पर्टिकुलर पिच पर खेलने के लिए, कि आप इतनी देर जाके थामिए वहाँ पर खुट्टा, तो खूंटी को वहाँ पर थामने के लिए उस तरह के बैट्समैन को भेजा जा सकता है। अब कोई मारने मतलब धुआंधार बैट्समैन है, कोई मारने वाला है पूरा, मान सूर्य कुमार यादव या कोहली अपने हो गए, ये लोग तरह के, कोहली तो क्लास भी हैं, दोनों चीज़ें नो डाउट। तो इस तरह के बैट्समैन को अगर उनके प्रेफरेंस का पिच मिल जाए तो कैप्टन अगर वो चूज़ करेंगे तो यहाँ पर बात आएगी केवल दिमाग अब चलाना होगा कि एक और फैक्टर की पिच कौन सा चूज़ कर रहे हैं। पिच अगर आपने राइट चूज़ किया और वो आपको एड करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आप सेम पिच भी रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन में भी रहेगा, वो आप सेम पिच भी अगले 30 ओवर आप कंटिन्यू करा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। राकेश एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, उनके मन में ये आइडिया आया, फिर इस आइडिया पर 2016 में काम शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि पिच आखिर बदलेगा कैसे, तो दरअसल इस मॉडल में मैदान के बीच वाले स्थान पर जमीन के नीचे एक बड़ा और लंबा रोलर लगा रहेगा जिसके चारों ओर अलग अलग पिच बने रहेंगे और जैसे ही रोलर घूमेगा ये पिच बदल जाएगा। साथ ही इस तरह के मॉडल से दुनिया के अलग अलग जगहों की मिट्टी को लाकर बेहतरीन पिच बनाया जा सकता है। खेल के दौरान अगर पिच खराब हो जाए तो उसे भी बदला जा सकता है। हालांकि इसका वर्किंग मॉडल अभी बना नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं इंस्पायर्ड है, जैसे सुपर ओवर होते हैं या पावर प्ले ओवर जब लिया जाता है, पावर प्ले एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ओवर्स के लिए फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से पावर पिच या सुपर पिच चेंजिंग सिस्टम कह सकते हैं, पावर पिच ही प्रॉपर वर्ड रहेगा इसके लिए शायद, तो पावर पिच करके कैप्टन अगर चाहें या पर्टिकुलर बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं या पर्टिकुलर बॉलर भी जब बॉलिंग कर रहे हैं तो दोनों अपने चॉइस के हिसाब से चाहें तो पिच चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मली ऐसा कंडीशन रहेगा ही कि जब 6 पिच इस मशीन के अंदर फिट किए हुए रहेंगे, इंस्टॉल्ड रहेंगे 6 पिचेस, तो उसमें से ज़्यादातर वो कंट्रीज़ की पिचेस को वो कवर जरूर करेगा। तो होम टीम अगर चाहे कि ज़्यादा देर तक अपने पिच को रखना चाहती है तो उसको उसके लिए वो उसको चूज़ कर सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट नया है और इस कॉन्सेप्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कर लिया है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह बदलाव देखने को मिलेंगे और आकर्षक भी रहेगा। मॉडल में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस देश का पिच चाहिए उस देश की मिट्टी से बनाया हुआ पिच आपको मिनटों में मिलेगा और उस पिच पर आप खेल पाएंगे। भागलपुर से निभाष मोदी की रिपोर्ट, बिहार तक।